आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। रामचरित मानस हो या कई विवादित बयान, वे हमेशा बोलते हैं और अभी तक वे उस बयान पर कायम भी हैं। लगातार बीजेपी पर हमला वे करते हैं, लेकिन अब उनके ही घर के उनके बड़े भाई वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद यादव, जो कि इनके बड़े भाई हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आपके बड़े भाई या छोटे भाई हैं? आपके छोटे भाई का आप सीधा हमला करते रहते हैं बीजेपी पर, आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये तो किसी का अपना एवरीबॉडी हैज डिफरेंट आइडियोलॉजी फ्रॉम दैट ऑफ हिज फादर, ब्रदर, मदर। और यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ निर्मला जी, सी इज ए फाइनेंस मिनिस्टर इन मोदी जीज गवर्नमेंट, हर हस्बैंड इज अगेंस्ट हर इन कांग्रेस, और जनरली ऑफन ही क्रिटिसाइजेस मोदी जी। हिंदी में समझा दें, मैं ये कहता हूँ कि सब आदमियों को अपना डिफरेंट आइडियोलॉजी होता है, जो अपने पिता से डिफरेंट कर सकता है, माँ से कर सकता है, भाई से करता कर सकता है, बेटा से कर सकता है, बीवी से कर सकता है। और निर्मला जी जो फाइनेंस मंत्री है मोदी जी के गवर्नमेंट में, उसके हस्बैंड भी कांग्रेस में है, मोदी जी का क्रिटिसाइज करते हैं। और कई हैं, यहाँ उदय नारायण एक उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण है। उदय नारायण चौधरी जी के भी बेटा और बहन जो है वो बीजेपी में है, कई है ऐसे उदाहरण। पहले भी माधव और सिंधिया जी कांग्रेस में थे, अपनी माँ से इलेक्शन खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे वो। बीजेपी में जाने का कैसे लगे? हम प्रभावित हैं नेशनलिज्म के, बीजेपी से, नेशनलिज्म से पहले भी हम नेशनलिस्ट थे, इसके हम लाइक करते हैं, खास करके मोदी जी के नेतृत्व को बहुत लाइक करते हैं पहले भी, चूँकि राष्ट्र प्रेम की भावना है बीजेपी में, इसीलिए इसको हम लाइक करते हैं। ये बताइए, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, किस विषय के प्रोफेसर रहे, कहाँ रहे हैं? जी, मैं समझा ना आपका क्वेश्चन, फिर से कहिए। आप किस विषय के प्रोफेसर रहे हैं, कहाँ रहे हैं? मैं हिस्ट्री में हूँ और मिडिवल इंडिया हिस्ट्री में हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ। अभी है या आपका? मैं अभी मैं रिटायर कर गया हूँ, फिर मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, लेकिन आपके जो भाई हैं हिस्ट्री पर ही लगातार सवाल उठा रहे हैं, रामचरितमानस पर? नहीं ना, वैसे वो हिस्ट्री वो किरोड़ीमल कॉलेज में एक साल, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में एक साल वो हिस्ट्री पढ़ा है। तो क्या उनको जानकारी नहीं है? अब हम क्या जाने, जानकारी है कि नहीं है वो तो वो जाने, लेकिन हमारे ख्याल से बिना अवधि जाने ही कोई भी किसी चीज़ का मास्टर नहीं हो सकता है। रामायण जो है वो अवधि में है। दूसरी बात, ये तुलसीदास जी का देन है कि आज लालू जी 1905 से लेकर अभी तक सामाजिक न्याय की बात करते हैं और धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तुलसीदास का जी का देन है ये। वो लगातार तुलसी रामचरितमानस पर, तुलसीदास के कुछ दिन पहले भी तुलसीदास के बयान पर भी तोड़ मरोड़ कर कह दें या जैसे भी हो हमेशा टिप्पणी करते हैं, तो क्या वो गलत सही पर है या रामचरितमानस सही पर? मैं यही कहूँगा कि अवधि बिना पढ़े हुए कोई भी किसी चीज़ का अथॉरिटी नहीं हो सकता है। बिना पढ़े पर्सन जाने हुए कोई, क्या कहते हैं, अकबर औरंगजेब का अथॉरिटी नहीं हो सकता है। बिना संस्कृत जाने हुए लोग वेद का अथॉरिटी नहीं हो सकता है, एंशियंट हिस्ट्री नहीं जान सकता है। शुरुआती दौर में जो उन्होंने परिभाषा दिया था रामचरितमानस को दलितों को तोड़ने वाला, क्या वो जो श्लोक था वो श्लोक में आपने भी पढ़ा होगा वो श्लोक? क्या मैं अवधि जानता ही नहीं, तो मैं कहाँ से पढ़ूँगा? मैं आपने उनके बयान तो सुने होंगे? हाँ, बयान मैं सुना था, तो ना वो उनको अवधि आती है। मैंने आपको एक बार कह दिया ना, बिना ओरिजिनल सोर्स जाने हुए पढ़े हुए किसी चीज़ का कोई मास्टर या अथॉरिटी नहीं बन सकता है। यानी वो बिना पढ़े हुए बयानबाजी? अब अवधि जानती है, अगर अवधि जानते हैं तो अलग बात है, अभी मेरे ख्याल से अवधि नहीं जानते हैं वो। रामायण जो है तुलसी जी का अवधि में लिखा हुआ है, उन्होंने बड़े ढंग से एक लोकल लैंग्वेज में रामायण को प्रस्तुत किया है, ये उनकी बहुत बड़ा उपलब्धि है तुलसीदास जी की। क्या कुछ आप बता सकते हैं? मैं उपलब्धि कैसे ना, उपलब्धि है ना उनकी,
वो तो भक्ता थे वो। मैंने उपलब्धि बता दिया कि जैसे भाईचारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात सूफीज लोग करते थे, जिसमें बाबा फरीद, चिरागी देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहिद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया ने शुरू किया, उसी चीज़ को हिंदू में भी लोही लोग कहा कि हम लोग क्यों पीछे रहें। तो उसमें भी चैतन्य महाप्रभु, कबीर, गुरु नानक ये लोग शुरू किया, 16वीं सेंचुरी में तुलसी जी थे, ये सब भाईचारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, जो अकबर को प्रेरित किया और 1580 में उन्होंने सुलह कुल की पॉलिसी स्थापना की। वही बड़ी चीज़ है, वही पॉलिसी, वही सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, समानता, वही है जो आजकल लोग उसको भजा रहे हैं। कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में आया कि तुलसीदास जी मस्जिद में सोते थे, मस्जिद में खाते थे, वहीं से रामचरितमानस ने लिखे हैं। अब मैं आपको, भाई साहब ने भी कहा था, मैं आपको कह दिया ना, मैं परमय अवधि नहीं जानता हूँ तो कैसे मैं कह दूँ। मैं टूटी फूटी इंग्लिश हिंदी पर जाने पर मैं सेकेंडरी सोर्स पर मैं विश्वास नहीं करता। वो जो इस श्लोक का एक शब्द निकाल कर, दो तीन शब्द निकाल कर जो इस तरह का बयान दिया, क्या वो सही है? अब मैं कैसे कहूँ आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे अवधि नहीं आती है, ना उनको आती है, बिना अवधि पढ़े हुए लोग क्या कर सकता है, उनको भी नहीं आती। अवधि कहाँ पर आया, अवधि कहाँ पर आया, कहाँ से अवधि आएगी इसको, कोई पढ़ेगा तब न आएगी अवधि। वो किस विषय के प्रोफेसर है? वो जूलॉजी के थे। तो फिर हिस्ट्री में इतना आगे बढ़ चढ़ कर बोलते हैं? हिस्ट्री वो एक साल किरोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, लेकिन अवधि नहीं पढ़ा है, रामायण नहीं पढ़ा होगा, अवधि नहीं जानता, इतना मैं जानता हूँ। अब दोनों भाई राजनीति में एक दूसरे के विरोधी होंगे, फिर वो कुछ बयानबाजी करेंगे, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मतलब देना पॉलिटिक्स में होता ही है, जब माँ बाप में होता। मैं आपको बताया, माधवराव सिंधिया जी का उदाहरण दिया, मैं आपको निर्मला जी का उदाहरण दिया, जो एट प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है वो मोदी जी के गवर्नमेंट में, तो होते रहता है पॉलिटिक्स। यानी आप अपने भाई से निपटने के लिए तैयार हैं? तो पॉलिटिक्स में है तो पार्टी डिसिप्लिन तो मानना पड़ेगा, पार्टी जो कहेगी करेंगे वो। आज कब ज्वाइन कर रहे हैं? अब देखिए कब करते हैं, आज भी कर सकते हैं। आज ज्वाइन करने जा रहे हैं? वो तो 24 को भी कर रहे थे, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो जब तक होने जाता तो कौन करता है? आज ज्वाइन करने का टाइम मिला है? हाँ, बुलाए हैं लोग। आज ज्वाइन करके फिर क्या क्षेत्र में जाएंगे? क्षेत्र में हम सब रोज रहे हैं, बच्चे से रहे हैं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय सदैव युद्ध की तैयारी में रहता, हम सदैव इलेक्शन की तैयारी में रहते हैं। आपका घर मधेपुरा हुआ, मधेपुरा में यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है। हाँ हाँ, आप भी यादव से हैं, लेकिन क्या भी यादव लोग माना जाता है कि लालू जी के सपोर्ट? अरे कहाँ माना जाता है भाई, आप लोग पत्रकार हैं कहाँ, लालू जी खुद वहाँ से इलेक्शन हारे हैं, पिछले बार रिकॉर्ड भेज से उसके कैंडिडेट इलेक्शन हारे जा रहे हैं, तो कैसे हम मान लेंगे लालू जी का घर है वो? कहाँ जीता है, मधेपुरा के अलावा कहाँ जीता है, मधेपुरा कैसे जीता है, लालू जी को ही पता है, तो हम उसे मान लें कि राजद का घर है भाई। आप इलेक्शन जीते नहीं, रिकॉर्ड वोट से आपका कैंडिडेट जिसको नेशनल लीडर कह के लाए थे, हालांकि नेशनल लीडर का अर्थ अलग होता है, शरद जी वहाँ से रिकॉर्ड वोट से हारे हैं पिछले बार, तो हम कैसे मान लें कि लालू जी का राजद का घर है, लालटेन का कैंडिडेट थे शरद जी, वो सबको मालूम है, आप लोगों को भी मालूम होगा। अभी तक रिकॉर्ड है मधेपुरा में 327,000 वोट से कोई नहीं हारा है, शरद जी 327,000 वोट से हारे हैं मधेपुरा से पिछले 2019 के चुनाव में, लालू जी खुद वहाँ से हारे हैं। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने कहा था कि हम यादव में हिंदू, हर यादव को हम हिंदू बनाएंगे, यानी बीजेपी का सपोर्टर बनाएंगे, क्या लगता है? कौन बोला? गिरिराज सिंह कुछ दिन पहले बोले थे। क्यों, यादव कैसे, यादव नेशनलिस्ट नहीं है क्या, वो क्या बनेंगे, यादव नेशनलिस्ट नहीं, हम लोग लड़े हैं कम्युनिस्ट के खिलाफ, लड़े हैं कम्युनिस्ट को, JNU से भागाया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भागाया है, ठीक बाद में अलग बात है कि जम गया है, कम्युनिस्ट के खिलाफ लोग बोलता नहीं था, JNU उसको भगाए हैं हम 82 के इलेक्शन में, SFI को दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगाए हैं। लास्ट सवाल है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर जिस क्षेत्र से आपको टिकट देती है बीजेपी, उसी क्षेत्र से अगर आपके भाई रहेंगे तो फिर किस तरह की? अरे मैं आपको एक बात कह दिया ना कि पार्टी पॉलिटिक्स में ये होता है, पॉलिटिक्स में भाई विद नहीं होता है, जो पार्टी बोलती है वो करना पड़ता है। अच्छा, ऐसे अब ये तो राजनीति बातें घरेलू, क्योंकि आप अपने बड़े भाई हैं, घरेलू बातें किस तरह से होती है, इस तरह की बात? घरेलू हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध है, पॉलिटिक्स के अलावा घर बहुत अच्छा संबंध है। खाना पीना एक साथ है? हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है, जमीन वमीन सब कुछ एक साथ है।
अभी कुछ बंटवारा नहीं, ना बंटवारा वटवारा कुछ नहीं है भाई, में प्रेम पूरा है। हाँ पॉलिटिक्स के अलावा ठीक है। अच्छा जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे थे रामचरितमानस पर, हिंदू लोग आहत हुए थे कि जब विरोध हुआ था उस समय आपने कुछ कहा था उनको फोन करके भी कि इस तरह गलत है या कहीं? मैं इंटरव्यू दिया था, आपको पता नहीं होगा तब, आप देखिए मैं इंटरव्यू कर दिया हूँ, इस पर बहुत लोग मेरा इंटरव्यू लिया है। मैंने स्पष्ट कहा कि कोई भी धर्म हो उस पर आघात नहीं होनी चाहिए, और तुलसीदास जी का बहुत बड़ा उपलब्ध है, ही वॉज वन ऑफ द भक्ताज विस 16th सेंचुरी प्रोड्यूस्ड, और उनका देन है जो आज लालू जी भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये सारे जितने थे भक्ता सूफीज इन लोगों ने 15 मई, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, 1580 में अकबर को पॉलिसी ऑफ सुलहकुल स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, वादे किया, वही है सामाजिक न्याय, इक्वल विथ ऑल, यूनिवर्सल कॉनकॉर्ड, और क्या है ये सामाजिक न्याय। तो ये डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के बड़े भाई हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लगातार जो बयानबाजी जो चंद्रशेखर जी देते हैं वो उस तरह से पढ़े नहीं है, इनका ये दावा है, क्योंकि ये जानते हैं बचपन से उनके साथ रहे हैं और ये जानते हैं कि किस किस चीज़ों में वे पढ़ाई की है, वे पूरी तरह उस विषय में पढ़ाई नहीं की। और तुलसीदास पर भी इन्होंने कहा कि तुलसीदास ने एक सामाजिक न्याय की परिकल्पना किया था, इसलिए तुलसीदास पर या किसी धर्म पर कुछ भी कहना बिल्कुल गलत है। आज ये बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और इनका दावा है कि अगर जो सामने पॉलिटिकल में भाई भी आएंगे तो उनको सीधा जवाब दिया जाएगा। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, ABP News पटना।